हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और थोड़ा सा अपना टाइम जो है इस चीज़ में वेस्ट मत करिए कि मैम एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम तो होना ही है, एंड आपको तो ये बेनिफिट मिल रहा है कि आपको इतना टाइम मिल रहा है कि आप अपनी जो तैयारी है उसको कम से कम नहीं तो 4-5 बार रिवाइज़ कर सकते हैं, एंड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का है। आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले जो 6 सेट्स हो चुके हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो एक छात्र में छात्रावास के साथ में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, छात्रावास में एक छात्र के साथ में जो उसके फ्रेंड सर्कल ग्रुप रह रहा है, तो उनके बीच में समुदाय की भावना को कैसे बढ़ा सकता है, ये क्वेश्चन है। कठोर नियम एवं कठोर दंड लागू करके, शैक्षणिक विषयों के आधार पर छात्रों को अलग करके, नियमित सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके, विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच बातचीत को प्रतिबंधित करके। तो क्वेश्चन ये है कि हॉस्टल वार्डन हॉस्टल में रह रहे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में सामुदायिक भावना को कैसे बढ़ा सकता है, ठीक है। पहले हम छात्र का मतलब समझ रहे थे, अब आप लोग समझ गए होंगे इसका जो रियल मीनिंग क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है कि नियमित सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं आपस में घुल मिल जाएंगे और उनके बीच में सामाजिकता अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक छात्र छात्रावास को अपने निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। हर समय खुले दरवाजे की नीति को प्रोत्साहित करना, नियमित सुरक्षा अभ्यास और निकासी प्रक्रियाओं का संचालन करना, गैर निवासियों को छात्रावास परिसर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश की अनुमति दे देना। तो भाई, अगर हम गैर निवासियों को हॉस्टल में परमिशन दे देंगे तो वो तो कुछ भी गलत और सही कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव में लापरवाही बरतना, तो भाई आपको लापरवाही तो बिल्कुल नहीं बरतनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है कि नियमित सुरक्षा अभ्यास कराना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि भाई अगर कोई आपदा आ जाती है तो आपको कहाँ से निकलना है, कहाँ से बचना है, ठीक है। तो इन सभी की जो नियमित अभ्यास है वो होना चाहिए। 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के लिए अनुकूल अध्ययन वातावरण को कैसे बढ़ावा दे सकता है। अनुकूल अध्ययन की बात हो रही है, खाली समय के दौरान अध्ययन ना करने की नीति लागू करना। अगर आप खाली समय के दौरान अध्ययन ना करने की नीति लागू कर देंगे तो वो तो भाई अपने घर पर भी कर रहे थे, पढ़ाई कहाँ ही बच्चे करने की कोशिश करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। सामान्य क्षेत्रों में तेज संगीत और शोर की अनुमति दे देना, ये भी बिल्कुल गलत है। भाई संगीत बजेगा तो बच्चे तो डांस करेंगे, पढ़ाई कौन करेगा। क्वेश्चन ऑप्शन सी है, शांत अध्ययन कक्ष और निर्धारित अध्ययन घंटे उपलब्ध कराना, अध्ययन क्षेत्रों में समाजीकरण और समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इन दोनों में ही आपके ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि एक शांत अध्ययन कक्ष उपलब्ध कराना है और अध्ययन के घंटे उपलब्ध कराना है। मतलब कि एक शेड्यूल टाइमिंग होना चाहिए कि हाँ 3 से 6 बजे तक शाम को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरह का जो भी टाइम वहाँ का मैनेज होगा उसमें बच्चे अच्छे से अपने स्टडी कर पाएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि ये नहीं कि आपको ऑप्शन सी पर ही आंसर मिल गया तो ऑप्शन डी आप ना पढ़ें, ठीक है। चारों ही ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं और चारों ही ऑप्शन आपको समझने हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कि क्या है, बट जब हम उनके ऑप्शन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है। तो ऑप्शन चारों पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड जो है वो अच्छी हो जाए आपकी, ठीक है। तो मेरे साथ साथ ही पढ़ा करिए एंड क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो देखा करिए कि कौन से सही। एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वस्थ और संतुलित आहार को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन ए है, अस्वास्थ्यकर भोजन विकल्पों के साथ एक सीमित और नीरस मेन्यू की पेशकश। तो नीरस नहीं करना है, नीरस कर देंगे तो बच्चे मन से नहीं खाएंगे। ऑप्शन बी है, विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना, छात्रों को छात्रावास के भोजन सुविधाओं का उपयोग करने से हतोत्साहित करना। तो नेगेटिव वर्ड्स जहां पर भी दिखाई दें उनको तुरंत हटाना है। छात्रों को बिना किसी प्रतिबंध के बाहर का भोजन लाने की अनुमति दे देना, फिर तो वो पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, है ना। तो भाई ऑप्शन डी भी नहीं है यहां पर, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना ताकि उनका जो शारीरिक विकास है वो अच्छे से हो सके और वो स्वस्थ रहें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5।
एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के बीच सांस्कृतिक विविधता और समावेशी को कैसे बढ़ावा दे सकता है? छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करना और विभिन्न त्यौहार मनाना, छात्रों को उनकी सांस्कृतिक परंपराओं पर चर्चा करने में हतोत्साहित करना, बिल्कुल गलत, सांस्कृतिक पहनावे और प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना। तो भाई किसी चीज़ में भी प्रतिबंध नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उनकी विविधताओं के अनुसार जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उन फेस्टिवल्स को भी मनाएंगे, ठीक है, जिससे क्या हो कि बच्चे एक दूसरे की संस्कृति से परिचित हों, एक दूसरे के त्यौहारों से परिचित हों। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र छात्रावास पाठ्यतर गतिविधियों और शौक को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाता है? छात्रों को पाठ्यतर गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं भाई, हतोत्साहित नहीं करेंगे। विभिन्न शौक एवं रुचि हेतु सुविधाओं एवं संसाधन उपलब्ध कराना, केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना, पाठ्यतर गतिविधियों की उपेक्षा करना, छात्रावास के बाहर पाठ्यतर कार्यक्रमों और क्लबों में प्रवेश प्रतिबंध, ठीक है। तो भाई प्रतिबंध नहीं लगाना है, ठीक है, और उपेक्षा भी नहीं करनी। उपेक्षा जो है वो भी नेगेटिव वर्ड है। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। विभिन्न शौक एवं रुचि हेतु सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराना। अब क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं तो उनकी रुचियां भी अलग अलग होंगी, उनके शौक भी अलग होंगे। किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, ठीक है। तो उन सभी की रुचियों और शौक के अनुसार वो सुविधाएँ भी हॉस्टल में उपलब्ध होनी चाहिए। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 7। एक छात्र छात्रावास को रख रखाव और स्वच्छता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए क्या करना चाहिए? नियमित रख रखाव एवं सफाई कार्यों की उपेक्षा। तो अभी हमने बताया था कि जो उपेक्षा वर्ड है वो निगेटिव है, उसको आपको नहीं लेना है। ओके, छात्रों को सभी रख रखाव कार्य स्वयं संभालने के लिए प्रोत्साहित करना, नियमित रख रखाव जाँच करना और छात्रों को स्वच्छता अभियान में शामिल करना, पर्यवेक्षण के बिना किसी रख रखाव कार्य बाहरी ठेकेदारों को सौंपना, ठीक है। तो बाहरी ठेकेदारों को नहीं सौंपेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। मतलब रख रखाव की जिम्मेदारी बच्चों को देंगे, बट इतना नहीं कि भाई सारे ही कार्य जो हैं वो बच्चे ही करें। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। एक छात्र निवासियों के बीच गोपनीयता और व्यक्तिगत स्थान से संबंधित चिंताओं को कैसे संबोधित कर सकता है? छात्रों की गोपनीयता संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज करना और छात्रावास जीवन के लिए अप्रासंगिक है, तो नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बच्चों की हर छोटी बड़ी बात इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप उनकी कोई भी एक बात नहीं सुनेंगे ना, तो उनको इग्नोरेंस फील होने लगता है कि हाँ ये हमारी बात नहीं सुन रहे, ये हमें अवॉइड कर रहे हैं। और वो क्योंकि अपने माँ पापा से अलग होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनको वो भावनात्मक संबल मिले। ओके, छात्रावास के भीतर निरंतर निगरानी और निगरानी को प्रोत्साहित करना, बिना किसी साझाकरण विकल्प के सभी छात्रों को निजी कमरे उपलब्ध कराना, छात्रों के व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और सीमाएं निर्धारित करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि उनका जो व्यक्तिगत स्थान है उसका सम्मान करें और वहाँ पर स्पष्ट दिशा निर्देश और सीमाएं निर्धारित करें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के लिए, यहाँ छात्र छात्रावास का मतलब क्या हो गया, हॉस्टल वार्डन ही समझ सकते हैं, सहायता सुविधाओं में क्या भूमिका निभाता है? तो शैक्षणिक संसाधनों और सामग्रियों तक सीमित पहुंच प्रदान करना। सीमित पहुंच कर देंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो बच्चों को नहीं मिल पाएंगी, प्रत्येक बच्चे को नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। नियमित अध्ययन समूहों और शिक्षण सत्रों का आयोजन करना, छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्राप्त करने में हतोत्साहित, छात्रों को कक्षाओं और शैक्षणिक जिम्मेदारियों को छोड़ने की अनुमति देना। तो छोड़ने की अनुमति नहीं देनी है, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो राइट ऑप्शन है। नियमित अध्ययन समूहों और शिक्षण सत्रों का आयोजन करना है। ओके, आपकी क्लासेस हैं वो थोड़ी सी रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए सॉरी। एंड आफ्टर अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर के बाद में आपकी जो क्लासेस हैं वो अच्छे से हो जाएंगी। ओके, एक छात्र छात्रावास अपने निवासियों के बीच स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? सभी कार्यों और निर्णयों के लिए छात्रावास के कर्मचारियों पर निर्भरता को प्रोत्साहित करना,
सभी कार्यों के लिए अगर आप जो कर्मचारी हैं उन पर निर्भर हो गए तो चीज़ें सही से नहीं चल पाती हैं, ठीक है। कठोर कार्यक्रम लागू करना और छात्रों की गतिविधियों को सूक्ष्म प्रबंधन करना, ये भी गलत है। छात्रों को उनकी दैनिक दिनचर्या और निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देना, नियंत्रण बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होने के छात्रों के प्रयासों को नज़रअंदाज करना। तो ये राइट ऑप्शन जो है वो सी है कि उनके जो दैनिक कार्य हैं, दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं वो बच्चे स्वयं करें, और निर्णय भी लेना उनको सिखाना आपकी ही जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि भाई हॉस्टल में रहने का मतलब है उनका जो सामाजिक विकास है वो भी एक हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी हो गई। क्वेश्चन 11 है, छात्रावास का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? वरिष्ठ वार्डन, प्रबंधक, सहायक, मुख्य गृहस्वामी या पर्यवेक्षक? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी है। वार्डन जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं हॉस्टल के, ओके। दहन की आवश्यकता है ईंधन, ज्वलनशील पदार्थ, गर्मी, ऊपर के सभी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, ज्वलन तापमान है, ज्वलन तापमान कैसा होता है? आग पकड़ने के लिए सबसे कम तापमान, आग पकड़ने के लिए उच्चतम तापमान, कोई भी तापमान, या इनमें से कोई नहीं? तो ज्वलन तापमान जो होता है वो बी है, आग पकड़ने के लिए उच्चतम तापमान। हो सकता है आपके इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलें, तो आप लोग इनको भी थोड़ा देख लीजिए। ज्वाला का नीला क्षेत्र यानी कि ब्लू जोन ऑफ द फ्लेम इज लीस्ट हॉट, मॉडरेटली हॉट एंड हॉटेस्ट या कोल्ड जोन। हॉटेस्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा हॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का, ओके। कोई भी आपका डाउट या सजेशन हुआ करे तो उसको कमेंट ज़रूर किया करिए, या कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास है जो मिस हो रही है हमसे तो वो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। संगठनात्मक संरचना में शामिल है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए? काम का विभाजन, उत्तरदायित्वों का आवंटन, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, या ऊपर के सभी? तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन है वो सी है, ओके। यदि प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ है तो उसे निम्नलिखित अवधारणा का उपयोग करना चाहिए, प्रतिनिधि मंडल, विकेंद्रीकरण, प्रबंधन की अवधि, या ऊपर के सभी? ऑप्शन 16 का है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, प्रतिनिधि मंडल। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से क्या होता है? विशेषज्ञता, उत्पादकता में सुधार, कामकाजी संबंधों की स्पष्टता, परिवर्तन के प्रति अनुकूल? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन सी है कि कामकाजी संबंधों की स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करता है? प्रयुक्त कच्चे माल का प्रकार, प्रयुक्त कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग की विधि, प्रभावशीलता, या ऊपर के सभी? क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 19 देखते हैं कि भोजन को प्रभावित करने वाले खतरे हैं योजक और रंग। तो आप देखते हैं कि दाल होती है या मटर आती है तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा रंग मिला होता है, जब आप उसको धो तो काफ़ी ज़्यादा कलर छूटता है। प्रदूषण, पॉल्यूशन भी भोजन को प्रभावित करता है, रसायन, जैविक, भौतिक, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी भोजन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। आजकल कोई भी सब्ज़ी बिना कीटनाशक के बनती ही नहीं है, मार्केट में आती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी है। अब है लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न 20, क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अनाज में आहार फाइबर सामग्री को कम करता है? तो ये हम पहले भी बोल चुके हैं इसका। तो यहाँ पर जो माइलिंग है ऑप्शन ए है, इसका मतलब है मिलाना। जब आप दाल वगैरह में कुछ गलत चीज़ें मिक्स कर देते हैं, आटे में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो उसकी फाइबर क्षमता है उसको नष्ट कर देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे, आप सभी जानते हैं 20 क्वेश्चंस ही हम कराते हैं, और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि क्लास बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और ये सारा मटेरियल ही आपको फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।